हेलो एवरीवन, आज मेरे पास है निकॉन का ब्रांड न्यू निकॉन ZF एंड देखने में बॉक्स कुछ ऐसा सा है एंड आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। एंड ये कैमरा एक्चुअली मैंने प्री ऑर्डर करा था, तो इसके साथ मेरे को कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिले हैं, सो लेट्स टेक अ क्विक लुक। वारंटी कार्ड इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ फालतू ज्ञान की बात है। HDMI केबल, दो बैटरीज, चार्जिंग केबल, कैमरा स्ट्रैप, वन चार्जर एंड हमारी मेन कैमरा बॉडी। इसे साइड करते हैं। इसी के लिए वेट कर रहे हो ना, तो इसे अनपैक कर लेते पहले। सो ये है बॉडी। इसमें मैंने F2Z सेकंड अडैप्टर ऑलरेडी लगा दिया है, शॉप से लिया है, तो मैंने वहीं पे अनबॉक्सिंग कर ली थी। पैकेट ओपन करके देख लेना चाहिए। इसके साथ मेरे को प्रो ग्रेड के दो SD कार्ड्स में मिले, एक माइक्रो SD एंड एक SDXC कार्ड है। सो ये है हमारी न्यू निकॉन ZF की बॉडी। फर्स्ट ग्लैंस में देखा जाए तो ऑब्वियसली इसका रेट्रो डिज़ाइन है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसमें ऊपर आपको तीन डायल्स दिख रहे होंगे, यह है ISO का डायल, ये शटर स्पीड का एंड ये एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का। जो शटर रिलीज बटन है वो भी काफ़ी यूनिक इस बार कर दिया है। एक जो फीचर जो मैं हमेशा से अपने निकॉन कैमराज में चाहता था वो थे ये, नाउ अब आर्टिकुलेटेड स्क्रीन मिल गई है हमें फुली। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें प्री ऑर्डर पर मेरे को एक्चुअली ये L ग्रिप स्मॉल रिग की तरफ से ये लगी लगाई आई थी कैमरे में, तो आप अगर बाद में लेंगे तो आपको आई थिंक ये ग्रिप सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये रिग बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको कैमरा हैंडल करना बहुत टफ पड़ेगा। लेट मी शो यू। ये कुछ इस तरह से इसका स्क्रू है। सो ये है हमारी ग्रिप एंड सी, कुछ यहाँ पे कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है। एक दो इमेजेस की बात अलग है, बट आप प्रोफेशनली अगर कुछ शूट करने जा रहे हो और आप एंड लॉन्ग टाइम तक आप कैमरा कैरी कर रहे हो तो आपको ये होल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका हाथ भी दर्द होगा। सो इट्स बेटर टू बाय दिस ग्रिप। एंड कमिंग टू फीचर्स, आई थिंक इसमें वीडियो कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। इसमें हमें 4K मिलता है 60p, बट ऑल्दो 1.5 क्रॉप फैक्टर के साथ। फोटोज़ में तो ऑब्वियसली बीस्ट है ही है। मैं आपको कुछ यहाँ पे इसके सैम्पल इमेजेस एंड वीडियोज़ भी दिखाता हूँ जो मैंने इसे शूट करी हैं। इमेज क्वालिटी इसकी सुपर्ब है, बोलने के लिए बस ZF है। फीचर्स इसके ऑलमोस्ट जो Z6 III में हम इमेजिन कर रहे थे वही फीचर्स इसमें मिले हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। मे बी जब Z6 III अगर आएगा तो उसमें शायद मेगापिक्सल्स का फ़र्क होगा, वो आई थिंक 33 मेगापिक्सल अभी तक रूमर्स हैं, तो ये 24 है। तो गाइज, जल्द ही मैं नवंबर के एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू निकालूंगा, बिकॉज एटलीस्ट आप पहले दिन में किसी कैमरा का रिव्यू नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट एक दो शूट्स करोगे आप बड़े बड़े, आप पूरे मंथ इसके साथ ट्रैवल करोगे, आप जब पूरे मंथ इसके साथ शूट्स कर लोगे तभी आप इसका रिव्यू दे पाओगे, तभी मैं भी दे पाऊँगा। कि अभी स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, एक महीने बाद पता लगेगा क्या इसमें दिक्कत है। एक दिक्कत तो मेरे को स्टार्टिंग में ही आ गई है, इसमें अगर मेरे को SD कार्ड्स अगर मेरे को इसमें निकालने होते हैं तो अगर लगाने या निकालने हैं तो मेरे को बैटरी पूरी निकालनी पड़ती है। ये पंगा मुझे लगा अभी तक जो फंस रहा है थोड़ा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वन लास्ट थिंग, आई नो काफ़ी बड़ा लंबा ब्रेक हो गया, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपके लिए एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।